हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये गुड मॉर्निंग के साथ में एक सुबह का नज़ारा है, मतलब हमारी विंडो से बाहर का। तो देखिए कितना खूबसूरत है आपके लिए, क्योंकि मेरे तो व्लॉग होते हैं, जो वीडियो होते हैं वो सब आपके लिए ही होते हैं। तो ये सुबह का नज़ारा उतारने के बाद में हमने फिर शाम में शूट किया, क्योंकि दिन भर हमने फिर पहले की तरह, एक दिन जैसे पहले की तरह कुछ काम नहीं किया। तो लेटे लेटे ऐसे ही हमको नाश्ता करने के बाद में, दोपहर में थोड़ा सा खाना खाया, फिर शाम हो गई। शाम में होश आया कि काम करना है। ये सेकंड टाइम हमारे साथ ये हो गया था। तो ये तो हमारे महाराजा घूम रहे हैं आराम से, और ये कपड़े जो कभी ख़त्म नहीं होते, मतलब एक लेडी की ज़िंदगी से कपड़े कभी ख़त्म होते ही नहीं हैं, उनको बेचारे को करना ही पड़ता है। तो कपड़ों में पता नहीं कैसी ये बरकत होती है, तो हमारे कपड़े ऐसे जमा हो जाते। और ये जमा मेरे कपड़े जिसको मुझे धुलना था, तो जैसे मैं एक फेरा धोती हूँ, फिर अगर एक दिन गैप हो जाए तो फिर जमा हो जाता। तो यहाँ मैंने मशीन में कपड़े लगा दिए, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था और हमको घाई हो गई थी फिर काम की, क्योंकि एक बार पहले की तरह हमारा फिर हमने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ थोड़ा बहुत खा के पड़े ही हुए थे। तो उसके बाद मैंने कपड़े लगा दिए, कपड़े धुलने भी लग गए। और फिर मैंने सोचा कि क्या क्या काम किया जाए, क्योंकि झाड़ू भी हमारी लगानी बाकी थी और बर्तन भी बाकी थे। तो फिर उसके बाद में कपड़े मैंने धुलने छोड़े पानी डाल के, और उसके बाद में बड़ी वाली जो थी मैंने उसको बोला कि तू अब बर्तन धो दे, तो वो बर्तन धोने के लिए खड़ी हो गई। फिर वो ऐसा ऐसा अपने बर्तन का काम कर रही थी। अब हमको झाड़ू लगाना था, और फिर से जब कपड़े सर्फ़ वाले पानी में धुल चुकेंगे तो एक मरतबा मुझे उसमें पानी भी डालना था। तो हम यही बात करते रहे कि हम माँ बेटी बातें करते रहे कि आज भी हमको इतना ही लेट हो गया, तो इतनी देर में मेरे कपड़ों में से जो सर्फ का पानी था वो ड्रेन हो गया, मतलब निकल गया। और उसके बाद मुझे फिर साफ़ वाला पानी डालना था खंगालने के लिए, जो कपड़े खंगाले जाते हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि अंदर जाकर मुझे यहाँ पर, मतलब अभी यहाँ पर जहाँ हम वहाँ पर, मतलब 24 घंटे पानी आता है, इतना शुक्र है। पहले जहाँ रहते थे वहाँ पर सुबह के टाइम पानी आता था और दिन भर में नहीं आता था, इसलिए हमको फिक्र से वहाँ पानी वो करना पड़ता था, मतलब ये कि भर लेना पड़ता था। और फिर यहाँ पर मैं बैठ के अपनी मॉडलिंग कर रही हूँ, मैं वो मौका जाने नहीं दिया। तो पानी जब पूरा खुश्क हो गया तो मैंने फिर पाइप लगाया, और जो साफ़ वाला पानी होता है, साबुन का पानी निकल जाने के बाद, तो मैंने साफ़ वाला पानी फिर जो कपड़ों के बीच में भर दिया, क्योंकि पानी जो है वो थोड़ा शाम में स्लो हो जाता है, मतलब शाम होती है तो जो सुबह में फ्लो रहता पानी का वो शाम तक नहीं रहता। तो 24 घंटे क्योंकि आता है और सभी लोगों को पानी लगता है, तो हर कोई कपड़े बर्तन सारे कुछ अपने अपने घर में करते होंगे, तो पानी थोड़ा सा उसका फ्लो कम हो जाता है और थोड़ा सा स्लो लगता है शाम के टाइम पर। तो फिर भी मैंने जल्दी जल्दी पाइप लगाया और पानी भरने लगी उसके अंदर। पानी भरते भरते ये देखिए, मैं कारस्तानी कर रही हूँ कि मैं कैमरे से पीछे भी शूट कर रही हूँ जहाँ पर मेरी बेटी का बर्तन धो रही है और मैं पानी भर रही थी वॉशिंग मशीन में। फिर शाम का टाइम हो गया, तो जो बच्चा, जो मेरी बच्ची का फ्रेंड है, तो मेरे भी बेटे जैसा है, तो वो जाली उसको लगानी थी, क्योंकि हमारी कैट्स हैं, उसके लिए हमको खिड़की बंद ही रखनी पड़ती थी। तो उसने पहले ही बोल रखा था, हमने उसको बोला तो उसने बोला मैं ला के मैं ही लगा दूंगा। तो जाली ले आया बच्चा, तो शाम में उसको 7 बजे टाइम मिला, तो वो 7 बजे आके हमारी जो विंडो की जो जाली उसने लगा दी, जितनी भी लग सकी। यानी वो कोई ख़ास काम करने वाला नहीं है, लेकिन वो ऐसे ही, मतलब उसने ला के टेम्पररी लगा दी जाली, हालांकि वो कोई ख़ास लगाने वाला नहीं है, फिर भी उसने कोशिश की इतनी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जाली ला के उसने कैट्स के लिए लगा दी, और कैट मतलब रात हो गई थी काफ़ी, तो मतलब जैसी तैसी लगा दी मेरी बड़ी वाली बेटी ने मिलके, और उसने दोनों